की सख्ती के बाद सड़कों के सर्वे का काम शुरू हो गया है, जो यहाँ गंदगी और जल भराव देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी और लखनऊ नगर निगम के 4 कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई थी। नगर आयुक्त ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भी भेजी है। साथ ही आपको बता दें कि कई इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी गई है। फैजाबाद रोड पर गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया है, दीपावली तक दुरुस्त करनी होगी लखनऊ की सड़कें। तो ये बड़ी जानकारी और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल भराव और गंदगी को देखकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से ही सड़कों के सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसके बीच लखनऊ नगर निगम के 4 कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई थी और नगर आयुक्त ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भी भेजी थी। तो कई इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ यह रिपोर्ट भेजी गई। तो साथ ही आपको बता दें कि फैजाबाद रोड पर गड्ढे भरने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो दीपावली तक सभी सड़कों को दुरुस्त करने के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का जो आदेश था वो अब देखने को मिल रहा है, अब फिर से जो सड़कों में जो गड्ढे थे उनको भरने का काम शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, स्मार्ट सिटी के लिए के तौर पर इसको है। लेकिन इसकी बदतर हालत देखकर आप कहीं ना कहीं खुद आश्चर्य पड़ जाएंगे, क्योंकि लखनऊ के पौस इलाके को छोड़ दें, हजरतगंज जो गोमती नगर इलाके छोड़ दें, इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए, व्यवस्थाओं का ऐसा टोटा लगा हुआ है, व्यवस्थाओं के नाम पर खाना पूर्ति हो रही। नगर निगम का सालाना बजट लगभग 2000 करोड़ का है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो जमीन पर उतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था हो, या फिर गड्ढों से मुक्त करने की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि गड्ढा मुक्त हर जिला होना चाहिए। नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें गड्ढा मुक्त दिखाया था, लेकिन अगर जब गड्ढा मुक्त लखनऊ हो गया था तो गड्ढे कहां से आए, सबसे बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री का जहां कार्यक्रम होता है, जिस रोड से जाना होता है, कार्यक्रम स्थल के आसपास तक नगर निगम सफाई नहीं कर पाता, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो आला अधिकारी वो क्या कर रहा है। 4 अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई तो जरूर हुई, लेकिन आला अधिकारी थे जोनल अधिकारी के ऊपर के अधिकारी थे, चाहे वो अपर नगर आयुक्त हो या फिर तमाम अन्य अधिकारी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। अगर बात करें इसमें राजधानी लखनऊ में, अगर बात करें तो 4 अपर नगर आयुक्त और 3 पीसीएस अधिकारी हैं जो काम देख रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी फौज होने के बाद, जो अब तक की सबसे बड़ी फौज नगर निगम के पास है, और उसके बाद भी अगर काम नहीं हो पा रहा तो सवालिया निशान खड़ा होना जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई ना होना, अगर समय रहते इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए तो निश्चित तौर पर ये जो भ्रष्टाचार का खेल नगर निगम में चल रहा है वो कहीं ना कहीं ना होने पाए। इससे पहले भी देखा गया तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, भ्रष्टाचारों की एक बड़ी कड़ी नगर निगम में, जो भी अधिकारी है कहीं ना कहीं वो अपने जुगत में रहता है कि इस तरीके से क्या काम किया जाए जिससे फायदा उनका हो। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की नाराजगी हुई, नाराजगी बाद कार्रवाई तो हुई, तमाम अधिकारियों को के नाम जो है शासन को भेजे गए, लेकिन इससे इतने से क्या काम चल जाएगा, क्योंकि जब रिपोर्ट सबसे पहले पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी गड्ढा मुठ लखनऊ की, वो कौन से लोग थे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। जो अधिकारी है जिनको जिम्मेदारी दी गई है 4 अपर नगर आयुक्त को, क्या वो निरीक्षण करने के लिए नहीं निकलते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। हालांकि जो नगर आयुक्त है इंद्रजीत सिंह, उनके काम में कोई कमी नहीं, वो जितना मेहनत कर रहे हैं लगातार देखा जाता, खुद पूरे चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति के काम करने से पूरा लखनऊ नहीं चल सकता, सबसे बड़ा सवाल ये है। इससे पहले भी देखा गया जो अपर नगर आयुक्त लेवल के अधिकारी थे उनको हटाया गया था और कहीं ना कहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे अंदरखाने में, तो सबसे बड़ा सवाल है क्या जो अभी फिलहाल अधिकारी 4 अपर नगर आयुक्त हैं उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी या नहीं तय होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोग काम नहीं कर सकते तो आम जनता के लिए क्या कुछ करते होंगे आप समझ सकते हैं। लखनऊ के थोड़ा लखनऊ जो हजरतगंज है इससे आप 5 किलोमीटर बाहर जाइए, वो आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी, आप खुद सोचेंगे कि आखिर कहां हम आ गए। बिल्कुल अश्विनी, देखिए जिस तरीके से लखनऊ की ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके की तस्वीर लखनऊ की ये मिल रही है, भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, तो अगर राजधानी लखनऊ की तस्वीर सामने आ रही है तो और जिलों की स्थिति क्या होगी, ये भी सोचने वाला विषय है।
बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं जिलों में कि जहां पर भी व्यवस्थाएं उनको बेहतर किया सड़कों से गड्ढे मुक्त की जाए, लेकिन अधिकारियों की नाकामी है कि वो रिपोर्ट जो तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं मनमानी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ना तो स्थलीय निरीक्षण करते हैं और जो रिपोर्ट होती है वो ऊपर भेज दी जाती है। अगर स्थलीय निरीक्षण किया जाए तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं बेहतर होते। हालांकि अमूमन मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत पहले से जानकारी होती, तो ऐसे में उन रास्तों को ठीक कर दिया था, लेकिन इस बार चूक गया नगर लखनऊ नगर निगम और कहीं ना कहीं जो दिखावा करता है झूठा दिखावा वो नहीं कर पाया और उसी के चलते उनकी जो कमियां थी वो पकड़ में आ गई, कार्रवाई भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अपर नगर आयुक्त के अधिकारी हैं जिनको निगरानी की जिम्मेदारी जोनों की दी गई, 4 अपर आयुक्त है, 8 जोन है, अलग अलग जोनों की निगरानी करते हैं, क्या वो कमरों से एसी कमरों से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, सबसे बड़ा सवाल है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? जी